हाँ बेटे जरा गौर से बात सुनना शुरू कीजिएगा अब अम हमारा ये जो पेपर वन है ओ लेवल्स का ठीक है बेटे हमारा पेपर वन होता है टू आवर्स का बेटे अबाउट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है ठीक है जी और वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम शॉर्टेज इस चैप्टर इस पेपर का सबसे बड़ा मसला है टाइम शॉर्टेज का आपकी टाइम शॉर्टेज इतनी ज्यादा है के हद नहीं ठीक है सो नंबर वन पहली चीज इंपॉर्टेंट बात है गौर से सुनिएगा और उसके साथ से हम आगे चलना शुरू करते हैं अच्छा मैं टाइम भी स्किप मैं आपको अभी बताता हूँ टाइम कैसे मेंटेन करना सब कुछ करवाने लगा चले तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहले पेपर बने क्वेश्चन नंबर वन यहाँ है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव यहाँ है बेटे क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तक पहुंचने का ये जो रास्ता है ठीक है दिस इज कौन कौन लोग सीधा पेपर लाइन में करते हैं बेटे दिस इज द मोस्ट स्टूपेड वे टू अटेम्प्ट अ पेपर अगर आप सीधा पेपर अटेम्प्ट करते हैं दिस और टाइम शॉर्टेज वाला पेपर अटेम्प्ट करते हैं दिस इज द मोस्ट स्टूपेड वे टू अटेम्प्ट टाइम रिस्ट्रेंट पेपर ठीक हो गया uh, जिस भी पेपर में टाइम रिस्ट्रेंट होता है ठीक तो है, है, आपने. आपने है हमने बेटा पेपर तीन लूप में करना है और वो लूप समझ लीजिए क्या है देर आर थ्री लूप जिसमें हम पेपर अटैम्प्ट किया करेंगे अपना ठीक है और नो देर इज नो बैकवर्ड पेपर करने का कोई तरीका नहीं है चले आज बेटी सब सब्जेक्ट्स को बेटी ये अच्छी टेक्निक होती है इट्स अ वेरी गुड टेक्निक ये यूजुअली हर उस सब्जेक्ट को आप अप्लाई कर सकते जिसमें हो जिसमें आपको लगता है आप टाइम हो जिसमें आपको लगता है आपका टाइम शॉर्ट हो जाता है ये बड़ी प्रो टेक्निक है ले जी अब आज से बात से हम पेपर तीन लूप में क्या करेंगे लूप वन विल बी दो से सुनिएगा क्योंकि बच्चे बाद में कहते हैं सर वो हमें समझ नहीं आ रहा लूप कैसे सेलेक्ट करते हैं तो आपने शुरू में गौर से सुनना है ताकि आपको लूप सेलेक्ट करना सिखा लू मैं बेटे लूप नंबर वन सबसे पहली चीज लूप नंबर वन लूप नंबर वन वो भी आपको समझ आ जाएगा किस तरह के सब्जेक्ट्स में काम आता है

जिन क्वेश्चन का रीडिंग टाइम नहीं है इन का कोई रीडिंग टाइम नहीं होगा। एग्जाम्पल जी इसकी कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनमें पढ़ना नहीं पड़ता कौन से क्वेश्चन हैं जो आसान होते हैं और उनमें पढ़ना नहीं पड़ता एल्जेब्रा इंड साइमल्टेनियस इक्वेजन फैक्टराइजेशन फंक्शन ठीक है

अगर स्नैरियो वाली हुई तो नहीं क्या करेंगे आसान वाली हुई तो कर लिया करेंगे मीन मोड मीडियम के अक्सर क्वेश्चन जिनमें बिल्कुल रीड नहीं करना पड़ता तो जिन क्वेश्चन में रीड नहीं करना पड़ता एंगल्स हो गए अपर लोअर बाउंड में यूजुअली स्नैरियो होता है तो हम दूसरे गो में करेंगे ठीक है अच्छा तो नो रीडिंग टाइम इज इंक्लूडेड ये लूप वन को बिलोंग करते हैं लूप टू को वो टॉपिक्स बिलोंग करते हैं जिनके अंदर जो कि ईजी है एंड रीडिंग टाइम इन्वॉल्व होता है जो कि इजी है और उनके लिए रीड करना पड़ता है क्वेश्चन को एग्जांपल देते हो आप किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कीजिए इसके अंदर इसके अंदर आप आ, वो कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कीजिए इसके अंदर आप करें परसेंटेजेस करें स्टैट्स के बड़े वाले क्वेश्चंस करें ठीक है डेली मैथ सारा इसके अंदर आ जाएगा ठीक है और लूप थ्री के अंदर वो क्वेश्चन रह जाएंगे जो हार्ड क्वेश्चन है वो खुद ही ऑटोमेटिकली एंड पे रह जाएंगे अब एक एकलमंद इंसान को और अच्छा हार्ड क्वेश्चन का कोई टॉपिक नहीं होता हार्ड क्वेश्चन का टॉपिक नहीं होता कोई कई दफा क्या होता है आसान से से चैप्टर बेटे हार्ड हार्ड क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया होता है है सो टॉपिक टॉपिक का का ना कोई का कोई नहीं है। कि फलाना चैप्टर जो है ना उधर से हार्ड ही क्वेश्चन आएगा हमेशा तो वो हमें ड्यूरिंग द पेपर ही पता चलेगा हम पहले से डिसाइड करके प्री डिसाइडेड नहीं जाएंगे अगर आप पहले से प्री डिसाइडेड जाओगे आप हमेशा गलत करोगे बेटे अच्छा तो अब सबसे पहली बात Uh, जिनको रीडिंग टाइम नहीं देना है ये कितने मार्क्स के होते हैं बेटे ये अराउंड हमारे हर पेपर में फोर्टी मार्क्स जो होते हैं वो लूप वन को बिलोंग करते हैं और फोर्टी मार्क्स जो है बेटा ये हमने अराउंड थर्टी टू फोर्टी मार्क्स होते हैं ठीक है थर्टी कर लेते हैं हम शुरू में लूप लूप वन छोटा बनाएंगे लूप वन थर्टी मार्क्स का बना लेते हैं और बेटा इसके लिए हमारे पास पेपर में थर्टी मिनट्स ही होते हैं क्योंकि ये आसान होता है बहुत ज्यादा और हमारा इसके लिए गोल ये होता है हम से हंड्रेड परसेंट स्कोर करना चाहते हैं हंड्रेड परसेंट स्कोर करना हमारा गोल होता है अच्छा जी जो लूप टू होता है बेटा ये अराउंड फोर्टी मार्क्स का होता है ये आराम आराम से पढ़ के करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सब कुछ इदर, इदर पढ़ा होते हैं। और इधर हमारा गोल चीजें गलत भी हो जाए करेंगे हम हमारा नाइन्टी परसेंट स्कोर हमने यहाँ से किया करना है और बेटे फिर बच के हमारे पास वो क्वेश्चन जो बड़े मुश्किल और हार्ड क्वेश्चन है तो हार्ड क्वेश्चन बेटा जो बच्चा अभी पूरा सवाल छोड़ के आएगा वो बच्चा गंदा ग्रेड लेगा और जो बच्चा मेरे कहने पे कितने मार्क्स बचेंगे दस मार्क्स ऐसे हुआ करेंगे जो इतने बुरे होंगे आपका दिल करेगा पेपर छोड़ दो न, दस मार्क्स को देख के लेकिन हम दस मार्क्स को नहीं देखेंगे दस मार्क्स को नहीं देख के क्या करेंगे अच्छा तो आप क्या करेंगे फिर आप दस मार्क्स के लिए कितने मार्क्स मिनट्स बचाएंगे थर्टी मिनट्स बेटा अभी आपके पास हैं तो सोचो कितना वक्त होता है मुश्किल क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन में इंसान की यही ख्वाहिश होती है ना कि मुझे ज्यादा टाइम मिल जाए सोचने के लिए थर्टी मिनट्स बेटा मैंने आपके लिए बचाए हैं उसके लिए और आपको पता है इन थर्टी मिनट्स में भी आपने इधर से ज्यादा स्कोर नहीं करना बेटे आपने इधर से फिफ्टी स्कोर करना है तो आपने पहले ये कर लेना है तो आपका ए आ जाएगा उसके बाद बैठ के और जितनी भी गलतियां निकालते रहोगे वो ऊपर ए स्टार और फिर टॉप करना है तो टॉप के लिए भी कर लोगे सो नंबर वन आपने कभी भी पेपर एक गो में अटेम्प्ट नहीं करना हम पहले लूप में जाएंगे और पहले लूप में प्लीज आसान और मुश्किल की कैटेगराइजेशन से बाहर आ जाइए वो एक फेल्ड टेक्निक है ए लेवल्स लेवल्स का पेपर बेटे आपने हमेशा लूप सिस्टम के अंदर जाना है पहले सिस्टम में पहली बारी में कौन से क्वेश्चन करने आसान के मुश्किल आसान मुश्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है जिनका रीडिंग टाइम नहीं होता आसान मुश्किल नहीं देखना कर ही तो तो सकता हूँ दफा में रहने का लूप वन में रहने का क्राइटेरिया है बेटे आपके पास रीडिंग टाइम नहीं होना चाहिए प्रोमिस प्रोमिस करो हेलो जो लोग बैठ के क्लास टीवी की तरह देख रहे हैं बेटा आपने पेपर नहीं देना देना है ना प्रॉमिस करेंगे हम क्योंकि अगर आपने इसके बगैर पेपर देना है ना तो यकीन मानो अब मेरी क्लास का कोई फायदा नहीं है आपको मैंने अगर आपका ग्रेड निकालना है वो यहीं से निकालना है सो so नंबर हम रीडिंग टाइम वालों को पहले लूप लूप वन मार्क कर लेंगे पहला आधे घंटे में खत्म हो जाना चाहिए हमारा थर्टी मार्क्स लगते हैं हंड्रेड परसेंट स्कोर करना होता है लूप वन में हम अपने पहले पांच दिन लूप वन को परफेक्ट करेंगे जब तक आप लूप वन में हंड्रेड परसेंट पे नहीं आएंगे हम आगे नहीं जाएंगे ठीक है क्योंकि जैसे ही हमने फोर्टी मार्क्स थर्टी मार्क्स लूप वन के पक्के कर लिए

टाइम कंट्रोल स्ट्रिक्ट रखना है शदीद स्ट्रिक्ट टाइम कंट्रोल रखना है और मार्किंग स्कीम के साथ चेक करके अपने टोटल मार्क्स लिख लिया करने हैं अच्छा जी नाउ दिस इज वन थिंग पहला काम सबको समझ आ गया क्या पहला काम समझ आ गया सब लोगों को ठीक है नंबर टू सबसे पहली चीज ये होगी आपने जब भी कोई पेपर करना है आपने हर पेपर के बाहर ये बॉक्स बना लेना है ये बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ ये हर सब्जेक्ट के लिए इतना जेम है ये बॉक्स के हाथ नहीं बेटे आप कोई भी ईयरली कर रहे हो आप कोई भी ईयरली कर रहे हो आपने उसके आगे ये बॉक्स बनाना है पहले पेज के ऊपर पहले पेज के ऊपर आपने जाके ये बॉक्स आपने लाजमी बनाने हैं दो आ, इसके अंदर दो तीन चीजें आएंगी जी सबसे पहली बात आप यहाँ पे ईयर लिख लीजिएगा लेट्स बोस हमारा पहला पेपर था किसका कौन सा पेपर कर रहे हो भाई कौन सा पेपर कर रहे हो जून हाँ ट्वेंटी ट्वेंटी जून का वेरिएंट इलेवन दिया था ऐसे दिया था ये मैंने दिया था वेरिएंट आपको आपने यहाँ पे लिखना है लूप वन लूप टू आप देखना मैं अब आपकी जिंदगी कितनी आसान करने लगा हूं लूप थ्री जी लूप वन के अंदर टोटल मार्क्स कितने थे ऑप्टेन्ड मार्क्स कितने हैं अच्छा जी लेट्स सपोज हमारे लूप वन में थर्टी मार्क्स थे लूप टू में फोर्टी थे लूप थ्री में टेन थे जाहिर है हर पेपर में ये डिफरेंट हुआ करेंगे ना अच्छा तो ये डिफरेंट हुआ करेंगे थोड़े थोड़े डिफरेंट हुआ करेंगे

जिसके लूप वन में मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे उसका क्या प्रॉब्लम है इसका मतलब है उसने आसान चैप्टर भी नहीं किए हुए ठीक है उसका मतलब है उसने आसान चैप्टर भी नहीं किए हुए उसको जाके आसान चैप्टर्स पढ़ने चाहिए उसको जाके आपने आसान चैप्टर्स पढ़ने चाहिए ठीक हो गया सबसे पहली बात उसको ये पता चल जाती है जिसके लूप टू में कम मार्क्स आ रहे हैं उसको वहां से पता चल जाते हैं कि मैंने मैंने क्या किया मैंने क्या गड़बड़ की हुई है ठीक हो गया अच्छा जिसके थ्री में कामा, थ्री में तो सबके ही काम आने लूप हम का, का करेंगे हमारा गोल क्या 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 है है सबसे पहला गोल क्या है? हमारे पहले पांच दिन का गोल क्या है? ये बेटा आपने अपने हर पेपर के पहले पेज पर लिखना है जो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए आपने ये बॉक्स बनाना है बेटे लूप वन का हमारा गोल क्या है हमने लूपन में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड परसेंट लेनेटी थर्टी लेने ट्वेंटी नाइन चलेंगे ट्वेंटी एट चलेंगे बस उससे नीचे नहीं चलेगा लूप टू में अगर फोर्टी मार्क्स का लूप टू है, आपने थर्टी फाइव प्लस लेने हैं हर हालत में ठीक हो गया और लूप थ्री के अंदर तीन से चार नंबर चार नंबर भी चलेंगे कोई मसला नहीं है और आपका ए बन जाएगा अच्छा लूप टू और लूप थ्री में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटे हम सबसे पहले लूप वन वाले क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं पेपर करने से पहले हम लूप वन पहले खत्म कर लेते हैं आधे घंटे में अब हम दोबारा पेपर शुरू करते हैं और जब लूप टू कर रहे हैं जो क्वेश्चन हमसे हो जाएगा वो लूप टू में है जो अटक जाएगा उसको छोड़ के आगे चले जाएंगे और उसके लिए उसको लूप थ्री में डाल देंगे अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात है आप किसी पार्ट पे कितनी देर स्टक रह सकते हो स्टक टाइम क्या होना चाहिए एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा पेपर में क्वेश्चन आपसे नहीं हो हो रहा आप कितनी देर देते हो उसको हाँ आप कितनी देर स्टक रह सकते हो बेटे क्वेश्चन के ऊपर जितने मिनट्स का वो क्वेश्चन है जितने मिनट्स दे सकते हो जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है तो क्योंकि वहां पे तो नहीं तो स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट हो जाता है ना आप क्वेश्चन को स्टेयर कर रहे हो क्वेश्चन आपको स्टेयर कर रहा है ठीक है ऐसे बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं, वो के को देख रहे होते हैं। right बेटे याद रखना है अगर आप कभी स्टक हो गए हो ये सॉल्विंग टाइम नहीं है सॉल्विंग टाइम ज्यादा हो सकता है सो अगर आप टू मार्क्स के क्वेश्चन पे स्टक हो गए हो और वो मार्क्स जितने वो मार्क्स का था आप उतने ही मिनट्स आप स्टक रह सकते हो अगर वो उतनी देर में आपसे कुछ नहीं लिखा गया ना तो उसको छोड़ दो उस पर बाद में वापस लूप थ्री का आधा घंटा है ना वो लूप थ्री में वापस आने में उसमें टाइम मिलेगा